नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आज मैं फिर से आ जाऊँ आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी लेकर। दोस्तों आज का जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है वो मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी को लेकर होने वाला, जो कि दोस्तों गुड़गांव की कंपनी है और दोस्तों ये कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी होने वाली, जो भी इच्छुक कैंडिडेट इसमें जॉब करना चाहता है TW के लिए वो अप्लाई कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ITI पास आउट कैंडिडेट लिए जा रहे हैं और दोस्तों इसमें सैलरी की अगर बात करें तो दोस्तों 16,800 से 28,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी रखी गई है। दोस्तों अगर एज की बात करें 18 से 26 साल के कैंडिडेट दोस्तों लिए जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जॉब करना चाहता है इस एज के हो वो कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क भर्ती, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और दोस्तों इसमें सुविधाओं की बात करें तो कैंटीन, बस, रूम, ESI, यूनिफॉर्म, शूज वगैरह सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, समझाते हैं सारा कुछ क्राइटेरिया, कब तक इसको अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें अदर फैसिलिटी मिलने वाली है। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके आल पे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, समझाते हैं सारा कुछ क्राइटेरिया। तो दोस्तों हम आ गए हैं मारुति सुजुकी के करियर पेज पे। दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी सारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मिल जाती है वैकेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों इसको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, जहाँ से आप इस पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं टच करके। दोस्तों इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वर्क विद अस लिखा हुआ, नीचे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों फ्रेशर और एक्सप्लोरर और दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। दोस्तों हमें आना है यहाँ पे वर्कमैन हायरिंग पे। दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है वर्कमैन हायरिंग, इसके नीचे दोस्तों ये एक्सप्लोर का ऑप्शन है, इसको हम करेंगे टच। इसको टच करेंगे दोस्तों ये खुल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ चुका है वर्कमैन हायरिंग ITI। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार की जॉब्स आती हैं यहाँ पर, एक आती है अप्रेंटिसशिप जो करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों, एक आती है टेम्परेरी वर्कमैन के लिए जो कि दोस्तों 7 मंथ के लिए होता है और ये दोस्तों 1 ईयर के लिए होता है। दोस्तों इसमें ITI की अप्रेंटिस और वर्कमैन टेम्परेरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन कैंडिडेटों को अप्रेंटिस करनी है वो भी यहाँ पे आके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अप्रेंटिस की दिख रही है, तो यहाँ पे अप्रेंटिस पे टच है, ब्लू कलर का है इसलिए अप्रेंटिसशिप की जॉब्स आई हैं। दोस्तों यहाँ पे सब जॉब्स दिख जाएंगे अप्रेंटिस की, यहाँ से आप अप्लाई भी कर पाएंगे अप्लाई पे टच करके। दोस्तों यहाँ पे इस समय अप्रेंटिसशिप नहीं चल रही है। दोस्तों हम बताएंगे इसमें TW की, तो दोस्तों यहाँ TW पे हम करेंगे टच, तो TW पे आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं TW मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इनवाइट एप्लीकेशन, दोस्तों ITI कैंडिडेट पास आउट वर्कमैन हायरिंग। दोस्तों यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, लोकेशन यहाँ पे गुड़गांव मानेसर रखी गई है दोस्तों। और यहाँ पे अब ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, कितने दिन की जॉब रहने वाली, दोस्तों 7 मंथ के लिए TW रहने वाला है। और दोस्तों बात करें सैलरी की, दोस्तों एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे सैलरी आपको बता दी जाएगी, हालांकि 20,000 से कम नहीं मिलने वाली है, ज़्यादा ही मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अदर बेनिफिट की बात की गई, तो अदर बेनिफिट में दोस्तों सब्सिडाइज्ड मील, यूनिफॉर्म, शूज एज पर पॉलिसी कंपनी के हिसाब से मिलने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों ये बात हो गई इसकी ओवरव्यू की, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन में आपके ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके दोस्तों टेक्निकल और एप्टीट्यूड बिहेवियर से क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि आपको आंसर करने रहेंगे, जिसके बाद पास आउट कर जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू 4 टेक्निकल के माध्यम से लिया जाएगा, इसमें पास आउट कर जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका अटेंडेंस वेरिफिकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद आपको वहाँ पे 7 मंथ का जॉब करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं क्या इसकी क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रेड्स जो बताई गई हैं वो देख सकते हैं, फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिवेलेंट ट्रेड एज पर MICL यानी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के रिक्वायरमेंट के अनुसार ली जाएंगे दोस्तों। तो जो ट्रेड मेंशन है वो दोस्तों ली जा रही हैं। और बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो दोस्तों यहाँ पे एज देख सकते हैं 18 से 26 साल के कैंडिडेट लिए जा रहे हैं।
और दोस्तों जो ITI काउंसिल बताई गई है, तो दोस्तों SCVT NCVT दोनों लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों दोनों ही काउंसिल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह शो कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो अप्लाई नाउ का नीचे ये दिया हुआ है, ये दोस्तों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं इसको टच। दोस्तों इसके अप्लाई का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और दोस्तों फॉर्म खुल रहा है हमारे सामने। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, टेम्परेरी वर्कमैन हायरिंग का फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रखी गई है वो 27 अप्रैल है, यानी कि कल शाम 6 बजे तक आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें 27 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, जिसके बाद ही आपको वहाँ से जो भी इनके अगर ज़रूरत होगी कंपनी में तो आपको दोस्तों संपर्क करेंगे, जिसके बाद आपको ऑनलाइन पेपर कराएंगे दोस्तों। और दोस्तों ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 26 साल के कैंडिडेट लिए जा रहे हैं और ज्वाइनिंग आपकी सेम डेट रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया लास्ट डेट इसकी 27 अप्रैल रहने वाली शाम 6 बजे तक। और दोस्तों यहाँ पे और बात बताई गई है, यानी दोस्तों ये बताया गया है कि कोई डेट नहीं क्लियर की जाएगी कब तक ज्वाइनिंग कराएंगे। हाँ, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अन्य चीज़ें बताई गई हैं टेस्ट वगैरह के लिए, जो कि मैंने बता दिया। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक प्राइमरी मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए जिस पे आपका OTP जाने वाला है। दोस्तों यही सारी बात यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।